बुरहानपुर कलेक्टर भव्य मित्तल, एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने नेपानगर क्षेत्र के ग्राम सीवल, बाकड़ी, घाघरला सहित अन्य क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की और मतदान के लिए प्रेरित भी किया। ग्राम सीवल में कलेक्टर भव्य मित्तल ने कहा कि आप सभी को मालूम है कि 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस दिन सभी को घर से निकलकर मतदान जरूर करना है। इसे एक अवकाश का दिन न मानते हुए अपना कर्तव्य समझते हुए मतदान केंद्र जाना है। बता दें, कलेक्टर ने बिजली, पानी, टेंट आदि की जानकारी भी ली व इन्हीं शक्तों के लिए रैंप की व्यवस्था का अवलोकन किया। बूथ है उसको नॉर्मल और क्रिटिकल दो भागों में बांटा हुआ है। करीब 116 हमारे क्रिटिकल बूथ हैं जिसके ऊपर CAPF और हमारी MPC की टीमें तैनात रहेगी। बाकी नॉर्मल बूथों पर पर्याप्त पुलिस रहेगी। इसके अलावा QRT, सेक्टर मोबाइल, सेक्टर पुलिस मोबाइल और सुपरवाइजरी मोबाइल, कुल मिला के पूरे क्षेत्र में हर किसी भी छोटी से छोटी सूचना के ऊपर तुरंत रिस्पॉन्ड करने की कार्रवाई और बूथ के ऊपर भी सख्ती के साथ में ऐसी कार्रवाई जिससे कोई भी निष्पक्ष निर्वाचन में कहीं भी बाधा न हो, इसकी पूरी व्यवस्था। हमने घर घर जो है अपने 20-85+ और PWD उनके 12D के फॉर्म भरवाए हैं। करीबन 600 से भी अधिक मतदाता अपने घर से ही मतदान करेंगे, जो हमारे जिले में 6 और 7 मई को होने वाला है। तो घर घर जो टीम जाएंगी उनके यहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स ने पूरा विजिट भी कर लिया है, उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। हमारे पीठासीन P1 P2 की भी ट्रेनिंग चल रही है। हमारी EVM मशीन की कमिश्निंग भी 2 से 3 दिन बाद चालू होने वाली है, जिसके बाद हमारी मशीनें जो है चुनाव के लिए तैयार हो जाएंगी। घर घर की वोटिंग पूरी हो जाएगी और सीट के लिए हम जागरूकता फैलाने के लिए भी मतदान जागरूकता के कुछ ना कुछ इवेंट्स कर रहे हैं।